कश्मीर में एलओसी के नजदीक कुछ ऐसा हो रहा है जो लकीर और तारीखों को लेकर बड़े संकेत देता है। कल पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त को भारत का, लेकिन एलओसी के दूसरी तरफ यानी कि पीओके में 14 अगस्त की नहीं बल्कि 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। कभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुशर्रफ ने कश्मीर को कब्जाने के चक्कर में करगिल वाली भूल की थी, अब नए आर्मी चीफ असीम मुनीर भी कश्मीर के नाम पर कुछ भी करने को उतारू दिख रहे हैं। लेकिन वक्त बहुत बदल गया है। कश्मीर का ख्वाब देख रहे असीम मुनीर के पैरों तले पीओके की धरती खिसकने का इंतजार कर रही है। इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो MiG-29 अपग्रेडेड और हल्का लेकिन सबसे खतरनाक तेजस, पंद्रह अगस्त से पहले सब के सब कश्मीर पहुंच गए। एलओसी के पार कुछ तो होने वाला है। तो विदन कंट्री एक सिविल वार की सिचुएशन है, उसमें किसको फुर्सत है जिसको इन चीजों से बाहर भी कोई चीज नजर आ रही हो। इंडिया जो है वो कहाँ पहुंच गया है? जब पाकिस्तान की अवाम का कोई नहीं सोच रहा, कश्मीर का तो बड़ी दूर की बात। आने वाले टाइम में वो लोग हमारे यहाँ के लोगों की आजादी की बात करते नजर आएंगे। गुलाम है भाई, हम अभी तक गुलाम है, हमें क्या आजादी मिली है अब तक? लोगों को अब शौक ही नहीं रहा कि बाघा बॉर्डर जाएं, परेड देखें, फौजियों को देखें, परेड करते हुए देखें। पंद्रह अगस्त से पहले कश्मीर में अचानक से हलचल बहुत तेज हो गई है। जमीन से लेकर आसमान तक ऐसी गरज उठ रही है कि एलओसी के पार पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर भी आसमान की ओर देखने लगा है और इस्लामाबाद रावलपिंडी के कान खड़े हो गए हैं। इसकी वजह यह है, इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो पहाड़ों पर ऑपरेशन के एक्सपर्ट हैं। MiG-29 अपग्रेड में नाइट विजन कॉकपिट है और तेजस छोटी सी हवाई पट्टी में भी उतरने में सक्षम है। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ये तीनों मिलकर कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा कारगर हैं। कश्मीर में तो जो होना था वो 5 अगस्त 2019 को ही हो गया और सिर्फ 4 सालों में यहाँ की काया पलट हो गई। कश्मीर के हर घर में, हर कश्मीरी के हाथ में तिरंगा शान से लहरा रहा है। लेकिन एलओसी के उस पार यानी पीओके में पाकिस्तान से आजादी की जद्दोजहद अचानक तेज हो चली है। तो क्या इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो MiG-29 अपग्रेडेड और तेजस पीओके में जारी जद्दोजहद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए है? एलओसी के इस पार और उस पार बड़े बड़े पहाड़ और गहरी खाइयां हैं। इन इलाकों में कॉम्बैट ऑपरेशन आम फौज के बस की बात नहीं है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो ऐसे पहाड़ों पर ऑपरेशन के लिए ही प्रशिक्षित किए गए हैं। गरुड़ कमांडो पहाड़ों पर चढ़ने और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से सरपट नीचे उतरने में एक्सपर्ट हैं। ये कमांडो लंबे वक्त तक पहाड़ों पर रहकर ही लड़ाई कर सकते हैं। कश्मीर घाटी में गरुड़ कमांडो की वापसी 6 साल बाद हुई है। And they have also achieved a lot of success by eliminating n number of militant.
At present, there are two teams which are deployed with Indian Army and they are continuously into CICT operations. Drills and regular training we are conducting. And regularly with they are going hilly operations, LVSS on urban terrain operations. And they are also been deployed in various high ridges. एलओसी पर कुछ बड़ा होने का दूसरा संकेत मिग 29 भी दे रहे हैं। अभी तक श्रीनगर एयरबेस में मिग 21 विमानों की तैनाती थी, लेकिन इनकी जगह अब मिग 29 अपग्रेड के स्क्वाड्रन ने ले ली है। मिग विमानों ने कश्मीर के आसमान में पहाड़ों के बीच उड़ान भी शुरू कर दी है और इनकी आंख एलओसी की तरफ है। The upgraded MiG-29 is a versatile multi-role combat aircraft. Its capability includes night vision capable cockpit, as well as it has increased the fuel capacity. Also included the air-to-ground armament, which was not included earlier. Obviously, the biggest capability of this aircraft is the pilots who are handpicked at the training stage to fly and train in this fleet to fly this lethal aircraft. MiG-29 upgrade ka cockpit night vision se less hai. ये विमान ज्यादा वक्त तक ऑपरेशन कर सकता है क्योंकि इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मुमकिन है। रिस्पांस टाइम बेहद कम है, यानी जरूरत पड़ने पर पलक झपकते मिग 29 एलओसी पर पहुंच सकता है और आसमान से जमीन पर मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों से भी लैस है। श्रीनगर एयरफील्ड लाइज इन द सेंटर ऑफ द कश्मीर वैली एंड इट्स जनरल एलिवेशन इज मोर इफ यू कंपेयर इट टू प्लेन्स। सो स्ट्रेटजिकली इट इज बेटर टू प्लेस एन एयरक्राफ्ट व्हिच इज हायर थ्रस्ट टू वेट रेशियो, less response time due to proximity to the border, and is also equipped with better avionics as well as long range missiles and air to ground as well. So MiG-29 aircraft fulfills all these criteria. जुलाई के आखिरी दिनों में कश्मीर से ही ये तस्वीर भी आई थी जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। कश्मीर में पहली बार तेजस मार्क 1 की लैंडिंग हुई। अवंतीपुरा एयरबेस पर वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ एयर मार्शल पीएम सिन्हा खुद तेजस पर सवार हुए। सबसे हल्का लेकिन सबसे खतरनाक भारत का ये स्वदेशी लड़ाकू विमान कश्मीर में ऑपरेशन के लिए सबसे मुफीद क्यों है, ये तस्वीर इसका जवाब है। किसी भी लड़ाकू विमान के लिए जरूरी रनवे की लंबाई तेजस के मामले में सबसे कम है। तेजस सिर्फ 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। तेजस मार्क 1 की रफ्तार 2205 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो इस कैटेगरी के किसी भी प्लेन से ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि तेजस विमान 27 जुलाई को कश्मीर के अवंतीपुरा बेस पहुंचा था। ठीक एक दिन पहले यानी 26 जुलाई को कारगिल से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह ऐतिहासिक ऐलान किया था। हम एलओसी पार कर सकते थे और हम एलओसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी हम पार करेंगे। यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम एलओसी पार करेंगे, इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। कश्मीर में एलओसी पर सरगर्मियां तेज हैं तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर भी सुलग रहा है। ना तो कुछ करने की ताकत बची है ना हिम्मत। पाकिस्तान में चुनाव के दिन आ गए हैं और फौज बस इसी जुगाड़ में लगी है कि इमरान को अंदर करने के बाद नया कठपुतली किसको बनाया जाए। हम कहाँ खड़े हैं और हमसाये कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान कहीं खड़ा नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर जो वहां की जो ताकतवर कुवतें हैं उन्होंने खुद अपने ही मुल्क के खिलाफ एक बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है असाल्ट, एक महाज जो है वो खोला हुआ, जो विद इन कंट्री एक सिविल वार की सिचुएशन है उसमें किसको फुर्सत है जिसको इन चीजों से बाहर भी कोई चीज नजर आ रही हो कि इंडिया जो है वो कहां पहुंच गया, इन चीजों के बारे में तो वो सोच तक नहीं सकते ना। मुल्क के अंदर एक कयास की सिचुएशन है, एक अनार्की है, एक तरह की जो है वो अफरा तफरी है। उसमें क्या वो अपने आप को इस काबिल है पाकिस्तान कि वो अपने किसी पड़ोसी के सामने खड़ा करने की जो आपने बात की, यानी मुकाबला करने या उसके साथ तकाबली जायजा लेने। जिस कश्मीर में पाकिस्तान 75 सालों तक जहर की खेती करता रहा,
जिस कश्मीर को पाकिस्तानी फौज ने भारत से काटने की साजिशें रची, जिस कश्मीर में पाकिस्तान परस्तों ने आजादी आजादी के फर्जी नारे लगवाए, उसी कश्मीर में शान से लहराते तिरंगे को देखकर पाकिस्तानी खुद अपनी आजादी भूल गए हैं। जम्मू कश्मीर, जहां हम कहते हैं कि मकबूजा इलाका है, मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं मिलते, उन्हें दबाया जाता है, वहां पे स्टूडेंट्स हाथों में तिरंगा लिए रैलीज निकाल रहे हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात रही, उन्हें क्या बताओ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, वो इसीलिए तो कैंपेनें निकालनी शुरू कर दी क्योंकि पाकिस्तान के हालात पहले से बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुके हैं। इंडिपेंडेंस डे आज़ादी का दिन है, तो आज़ादी है कहाँ पे? सबसे पहले तो ये बताएं, इसलिए लोगों को कुछ भी नहीं, लोग अपने काम में मसरूफ़ है। ठीक है, 14 अगस्त आ रहा है, ये भी एक आम दिन है। पाकिस्तान है किधर? सारे कह रहे नया पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान है किधर? एक आम गरीब आदमी बेचारा क्या करे, वो दो वक्त की रोटी के लिए बेचारे की मुश्किल से पूरी हो रही है, इन्होंने तो वो भी छीन ली है, क्या मनाए 14 अगस्त? और सेकेंडली, गुलाम है भाई, हम अभी तक गुलाम है, हमें क्या आज़ादी मिली है अब तक? एक आम बंदे को क्या आज़ादी मिली है? लोगों को इतना को डिप्रेस कर दिया गया है, इतना को डिप्रेस कर दिया गया है, किस तरीके से आज़ादी मनाए? आज़ाद तो है ही नहीं। सोशल मीडिया में वीडियो देख रहा था, सनी देओल आए हुए थे बाघा बॉर्डर पे, उन्होंने आके वहाँ पे नारेबाजी की है, हर चीज़ की है, परेड की है, और इतनी अवाम उसके साथ आई हुई थी वहाँ के, इवन के जगह नहीं थी, लोग खड़े हुए थे, और हमारे पाकिस्तान की तरफ वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि सीटें खाली थी, लोग ही नहीं मौजूद, लोगों को अब शौक ही नहीं रहा कि बाघा बॉर्डर जाएं, परेड देखें, फौजियों को देखें, परेड करते हुए देखें। जम्मू कश्मीर को हड़पने का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा खौफनाक सपना उसे खुली आंखों से देखना पड़ेगा, जब उसके अपने कब्जे वाले कश्मीर में आजादी के नारे लग रहे होंगे। वो दिन आ चुका है। पीओके में अब न सिर्फ पाकिस्तान से आजादी के नारे लग रहे हैं, बल्कि इस्लामाबाद को नकार कर श्रीनगर के रास्ते जाने की बातें खुलेआम हो रही हैं। ये हमारा मसला आटे का मसला, बिजली का मसला नहीं है, हम वो गुलाम कौन है, हमारा मसला है हमारी आज़ादी। इस दहशत के वारस होने के बावजूद हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी को ये बता देना चाहते हैं, हमारे पास और भी रास्ते हैं। हमारा रास्ता श्रीनगर और जम्मू है, हमारा रास्ता इस्लामाबाद नहीं है। हमने अपने उस तरफ असल की तरफ जाने के लिए जिद्दोजहद जारी रखे, इनको आज़ाद किया जाए और पाकिस्तान अपना कब्जा खत्म करे यहाँ से। हमें अपनी गुलामी से आज़ादी देनी चाहिए, ना कि उनसे हम भीख मांगे आटा। पीओके की मन की बात एलओसी के इस पार श्रीनगर और नई दिल्ली तक बड़ी शिद्दत से सुनी जा रही है। पीओके के लोगों के लिए राजनाथ सिंह ने जो कहा, लग तो यही रहा है कि उसे कर दिखाने का वक्त नजदीक आ गया है। कश्मीर की जमीन और कश्मीर का आसमान इसकी गवाही दे रहा है। हम इसी बात पे खुश रहते हैं कि हमारा फौजी 14 अगस्त को पटांग ज्यादा ऊंची उठा लेता है। उम्मीद की किरण यही है कि पाकिस्तान को जो है ना, वो किसी और मुल्क के हवाले कर दिया जाए, चाइनीज के हवाले कर दिया जाए, या इंडियंस आ जाए, कोई और आ जाए। पाकिस्तान सिर्फ एक कब्रिस्तान है, इंडिया को कोई जरूरत नहीं है हम पे हमला करने की। उनकी जो सोच है वो टेक्नोलॉजी की तरफ है, वो चांद पे जा रहे हैं और हम जो है अभी रोटी कपड़े मकान पे ही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।